गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कल पहुंच गए थे चुपता। कितने बजे? हम पहुंच गए थे सात सात पाँच छः बजे पहुंच गए थे। 5-6 बजे पहुंच गए थे। फिर उसके बाद बारिश वारिश हुई कल। इतना खतरनाक खतरनाक तो क्या, बट बहुत बढ़िया बढ़िया ठंडा हो गया था। ओले पड़े कल ओले ओले पड़े। और हालत देखो हमारी। हालत ऐसे हो रखी है, हैंकर जैकेट वैकेट पूरा फुल। तो अभी हम जहाँ पे रुके हुए हैं वो देवरिया ताल के रास्ते पे ही है। तो हम सोच रहे थे कि सनराइज देखने ऊपर जाएं, लेकिन फिर तुंगनाथ के लिए लेट हो जाएगा, तो वो कल सुबह करेंगे। अभी रूम से व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा। तो ये सारी विलेज है, ये नीचे जो ये सब घर है ये सब सारी विलेज के नाम से आते हैं। और चोपता पास में है यहाँ से ऊपर, और फिर टुंगनाथ के लिए ट्रैक है सामने, तो उन पहाड़ों में है टुंगनाथ। वहाँ हम रुके थे रात को, और अब हमें जाना है वहाँ सामने। वहाँ टुंगनाथ है और चंद्रशिला पीक भी वहीं है। तो अब हम ये ट्रैक नीचे उतर रहे हैं, और हमें काफ़ी लेट हो गया है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो हमने सोचा था। बट अभी बज रहे हैं 10:30, और हमें 1 घंटा वहाँ पहुँचने में लग जाएगा। तो अब हम यहाँ से नीचे उतर के बाइक से जाएंगे टुंगनाथ तक, मतलब जो उसका बेस है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, और वहाँ से फिर हम ट्रैक शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइज। अब हम पहुँच चुके हैं चोपता, और हम एग्जैक्ट है जहाँ से टुंगनाथ चलता है। दिस इज़ दी एंट्रेंस। यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है टुंगनाथ जी का, और फिर बाकी स्टोरी हम रास्ते में कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे पार्किंग बाहर, इतने बाइकें इधर लगा दी है। काफ़ी ठंड है, बाइक कार यहाँ लगाओ और यहाँ से शुरू करो। रेडी गाइज, हाउ इज द जोश? ओम नमः शिवाय। अमन क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चीज़? प्लास्टिक न्यूट्रल रैपर कुछ भी कैरी करो के रास्ते में। ये बिल्कुल ये बिल्कुल चलो हम तीन लोग। यहाँ पे हमें सिर्फ एंट्री करनी थी, नाम लिखना था, नाम नंबर ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत। और भैया ने बताया कि प्लास्टिक व्लास्टिक है तो ऊपर कहीं फेंकना नहीं है, सिर्फ एंट्री करनी है। तब चलो ऊपर एंट्री करना लगता है। ये है अमन आपका ब्लॉगर, और मैं इसका कैमरा मैन। तो अब कैमरा मैन हूँ तो कैमरा मेरे हाथ में ही, और आज इसका स्पेशलिस्ट का बर्थडे है। बर्थडे पे दर्शन करेंगे। किसी को बहुत ज़्यादा समस्या मसला हो तो वो सवारी खच्चर पे जा सकती है, पर हम ट्रैक करेंगे, क्योंकि ट्रैक करने का जो मज़ा है ना, ट्रैक करने का ऊपर पहुँचने के बाद ट्रैक करने के बाद अलग ही फील आती है। खच्चर पे जाओगे वैसी वाइब नहीं है, ऐसा मज़ा भी नहीं आएगा। और ट्रैक करने के बाद ऊपर पहुंचेंगे जब, फिर वहाँ बैठेंगे दर्शन करेंगे, वो अलग ही अच्छा लगेगा। जो आ रखे हो पहले यहाँ तो उन्हें तो पता होगा कैसा पीस है और क्या फील है, बट जो नहीं आया उन्हें हम बता दें कि थक लग रही है। थक तो है, अभी शुरू ही किया है, पर अभी शुरू ही करा है, बट मज़ा आने वाला है सीधा। बट जहाँ हमें थक लगी हम व्यू बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक, मतलब जहाँ ज़्यादा लगेगा, और व्यू भी 2 मिनट रुक गए, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करी और ओके फिर। और जो हमारा तीसरा पार्टनर है अभिषेक द सोलो राइडर, ये है वो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखो वाइब देख रहे हो, और कहावत है ना, जब तक भोले बाबा का बुलावा ना आया आप exactly. नहीं मिल सकते उनसे। एग्जैक्टली तो शायद हमारी किस्मत अच्छी है, बुलावा आ गया। और मेरे तो इतना अच्छा लग रहा है ना कि बर्थडे के दिन दर्शन करूंगा, मतलब इससे अच्छा मेरा बर्थडे नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करोगी भगवान ने हाथ दे रखा, और सब्सक्राइब भी एंटी में आ रही
आ चुके हैं बहुत ज्यादा ऊपर। पहले लग रहा था कि चंद्रशिला वो है क्योंकि इनसे नॉलेज हाँ इन्फॉर्मेशन क्योंकि वो सेम लग रहा था और हमें सामने से जब हमने अपने सारी गांव से देखा था तो ऐसे वो सेम पीक थी तो वही नजर आ रही थी तो हमें लगा था चंद्रशिला वो है। बट चंद्रशिला पीक ये वाली है ना आकाश और टेंपल किधर है जहाँ वाइट घर है वहाँ पे टेंपल है तुंगनाथ जी का शिव जी का सबसे ऊंचा मंदिर वहाँ पहुँचेंगे अब उसके बाद हम और ऊपर वहाँ पे जाएंगे तो चंद्रशिला टॉप वो है उसकी भी एक स्टोरी है वो भी वहीं पहुँच के बताएंगे। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ आओ प्रकृति का आनंद लो बट स्वच्छ रखो सुंदर रखो ऐसे छुपा के रखो अपने जितना और सच में देखो ना कितना साफ है यार कोई एक कुछ भी नहीं है। तो गाइस फाइनली वी आर हेयर बस यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर और हम पहुँच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन। और काफ़ी मतलब थोड़ी सी थकान हो रही थी बीच बीच में बट यहाँ ऊपर आके थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया जैसे इतनी धूप हो रही थी बट यहाँ पे इतनी धूप नहीं है यहाँ पे मौसम एकदम चेंज हो गया है। यहाँ पे दुकानें हैं नीचे पे खाने पीने का सब मिल जाएगा मैगी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ है मैगी पॉइंट टाइप सब। और एकदम मौसम ही अलग हो गया और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और बस थोड़ा सा और ऊपर और फिर हमारी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। भाई लोग पहुंच गए फाइनली। ये भाई हमारे मुंबई से हैं वो तो मुंबई से आया सीधा ज़्यादा कैसा लगा चढ़ने में टुंगनाथ के लिए इधर टुंगनाथ टेम्पल के लिए और चंद्रशिला सीधा जय बाबा टुंगनाथ। ओम नमः शिवाय। ये मेन टेम्पल है दर्शन के लिए मेन अंदर मूर्ति है वहाँ अंदर पुजारी हैं जी हैं और ये दर्शन हमारे साथ आप भी कर लीजिए। ये बिल्कुल केदारनाथ से मिलता जुलता ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा ना इस टेम्पल का सच में बताऊँ तो मेरे को नहीं पता बट कंटेंट के लिए बोल दिया कि यहाँ पे अगरबत्ती लगा रखी है उदक कुंड है उदक कुंड ना। तो ये टुंगनाथ टेम्पल लॉर्ड शिवा का शिव जी का सबसे टॉप मतलब हाईएस्ट टेम्पल है 3000 फीट की ऊंचाई पे तो मतलब सबसे ऊंचा पांच केदार है पांच केदार में से थर्ड केदार है। और यहाँ पे मतलब बाकी के केदार में जो पुजारी जी होते हैं वो साउथ इंडिया से होते हैं पर इकलौता ये केदार है जहाँ पे यहीं लोकल विलेज से होते हैं एक विलेज का नाम है याद नहीं आ रहा पर वहीं लोग यहाँ पे इकलौते केदार में विलेज के पुजारी जी होते हैं। और ये लॉर्ड शिव का शिव जी का सबसे हाईएस्ट टेम्पल है 3000 फीट की ऊंचाई पे है। अभी इसके कपाट बंद हो जाएंगे 31st को आई गेस फिर उसके बाद ये बंद रहेगा विंटर्स में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो तब ट्रैक करना और ऐसे यात्रा करना काफ़ी रिस्की रहता है तो तब टेम्पल बंद रहता है बट आजकल दर्शन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। भूतनाथ टेम्पल यहाँ पे है तो हम ये भी देख के आएंगे। भूतनाथ टेम्पल दर्शन हमने कर लिए हैं उसके बाद वहाँ से नीचे जो रास्ता चंद्रशिला को जाता है उस पर हम आ गए और हम चंद्रशिला जाएंगे। यहीं से है ना रास्ता यही
हम अब जाएंगे चंद्रशिला। वो देखो वहाँ नीचे से कितना नीचे है वो, और वो भी पहाड़ है, वो पहाड़ भी हमने इतना नीचे छोड़ दिया, और जो नीचे से इतनी दूर हम चंद्रशिला देख रहे थे जो हमें चंद्रशिला जैसी मतलब लगी थी, और वो नीचे रह गई, और इससे भी ऊपर आ चुके हैं हम, थोड़ा सा ऊपर फ्लैग्स लगे हुए हैं जहाँ पे, यहाँ शायद से ना दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, तो बस यहीं से रास्ता है, यहीं से रास्ता है, और हम चंद्रशिला पीक पहुँचने वाले हैं। यहाँ ऊंचे पहाड़े हैं और अभी बादल आ रखे हैं, नहीं तो ना हिमालय की पीक्स भी दिखती है, बर्फ बर्फ ढकी रहती है उस पे, सब ढक गया क्योंकि बादल आ रखे। हमें नीचे रास्ते से दिख रही थी जब हम ऊपर आ रहे थे, बट उसके बाद बादलों की वजह से अब ढक गए है। अब यहाँ हम बैठेंगे आराम से, चार बज चुके हैं, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं बैठेंगे क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में नीचे जाना थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद नीचे जाएंगे। शिला पीक चुका है 6:13 और हम जा रहे हैं यहाँ से सारी विलेज वापस। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, रास्ते में बिल्कुल अंधेरा है, राइडर्स तैयार, गाड़ी वार्म अप और लेट्स गो एडवेंचर। अब हमारे रास्ते में आएगा चोपता, मतलब ये चोपता ही है, चोपता क्रॉस करेंगे और उसके बाद सारी हमसे कितना दूर है मतलब 1 घंटा लग जाएगा हमें जाने में, फिर वापस कर्मा फैमिली के लिए ट्रैक, तो देखते हैं कितने बजते हैं। कल हो सकता है हम देहरादून वापस चले जाए या फिर सुबह देवताल का सनराइज़ देख के मतलब रुक भी सकते हैं, लेट्स सी, कुछ फाइनल नहीं है अभी। और अभी हम डे 2 को यहीं पे एंड करेंगे इस व्लॉग को। बाय बाय।